हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं शमशाद शेख, आपका दोस्त। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि सक्सेसफुल डीएसए कैसे बने। अगर आप अपना खुद का डीएसए डालने की कोशिश कर रहे हैं या देख रहे हैं, डीएसए के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि डीएसए कैसे काम करता है, क्या क्या नॉलेज आपको होना चाहिए और कैसे इसका पे आउट स्लैब क्या है और आपको कितना नॉलेज होना चाहिए डीएसए रन करने के लिए और कितना अर्निंग हो सकती है डीएसए ओपन करने के बाद। तो फ्रेंड्स, अर्निंग तो काफ़ी सारा है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। और एक एक पॉइंट्स फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी पॉइंट्स आप मिस मत करना अगर आप डीएसए ओपन करने के लिए देख रहे हैं तो फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड एंड इंश्योरेंस और डीएसए का मिला के वो मोर देन 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। कंफ्यूज रहते हैं कि सर एज कितना होना चाहिए डीएसए ओपन करने के लिए, सर डेटा कहाँ से मिलता है, सर प्रोडक्ट एंड पॉलिसी कहाँ से इंफॉर्मेशन, सारा पीपीटी वगैरह कहाँ से मिलेगा, लॉग इन आई डी कैसे अप्लाई करें, तो काफ़ी सारा फ्रेंड्स इसमें कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को और लोग अप्लाई नहीं कर पाते हैं। और काफ़ी लोग हैं फ्रेंड्स जो सोचते हैं कि मुझे फ्री में सर्विसेज मिल जाए, और ऐसे काफ़ी सारा यूट्यूब पे भी वीडियो है जो आप लोग को डायरेक्ट लॉगिन के नाम पे आईडी वगैरह डायरेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और आप काफ़ी कंफ्यूज रहते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि किसी के चक्कर में फंसने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपका नॉलेज हर एक प्रोडक्ट के बारे में, आपका जितनी भी बैंक और NBFC है सबका नॉलेज आपको होना चाहिए, एक मोटा मोटा कि क्या कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती है और कितना टेन्योर के लिए लोन देती है बैंक और NBFC, जो भी है उसका एक मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पर्सनल लोन के लिए लगता है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो और होम लोन हो या क्रेडिट कार्ड हो या आपको ओवरड्राफ्ट करना हो, तो क्या बेसिकली क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसका एक ओवरऑल आपको नॉलेज होना चाहिए, और कितने दिन का प्रोसेस है वो भी आपको नॉलेज होना चाहिए। काफ़ी सारी वीडियोस हैं जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और मैं आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन आज यहाँ पे भी शेयर करना चाहूँगा ताकि आप लोग का जो नॉलेज है उसमें थोड़ा सा इजाफा हो जाए, और आप लोग अगर आप डीएसए अपना ओपन करने के लिए देख रहे हैं तो आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। तो पहला स्टेप ये है फ्रेंड्स, आप इंडिविजुअली अगर काम कर रहे हैं फाइनेंस में तो वो सबसे ज़्यादा बेटर होता है कि अगर आप इंडिविजुअली कहीं डीएसए में या डीएसए के लिए काम कर रहे हैं या किसी बैंक और NBFC में काम कर रहे हैं तो आपको एक मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट स्टेशन लगते हैं पर्सनल लोन के लिए या ओवरड्राफ्ट के लिए या बैलेंस ट्रांसफ़र के लिए, तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और XYZ ये इन्फॉर्मेशन लगता है और ये डॉक्यूमेंटेशन लगता है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पहला डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता हो जाता है। इसके अलावा फिर दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए फ्रेंड्स आपके पास, अगर आप डीएसए ओपन कर रहे हो आपके खुद के नाम पे अगर आप रन करना चाह रहे हो तो कहीं भी डायरेक्ट जाके कंपनी प्राइवेट लिमिटेड करके या आप कंपनी रजिस्टर करा के या आप गुमास्ता उद्यम GST ये सब बिल्कुल भी कुछ नहीं लगेगा स्टार्टिंग में फ्रेंड्स। सबसे पहला होता है कि हमें अपने बिजनेस से स्टार्टिंग में जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है जो भी उससे हम लोग स्टार्ट करें। कोई ज़रूरी नहीं कि आपका बड़ा ऑफिस होना चाहिए, 10-15 लोगों का स्टाफ होना चाहिए, आपको दिखाना नहीं है, शो शाइनिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको आपके बिजनेस को ग्रो करना है, उसकी कॉस्टिंग को बढ़ाना नहीं है। एक बिजनेसमैन हमेशा ये याद रखना, एक बिजनेसमैन हमेशा अपनी कॉस्टिंग पे ध्यान देता है कि मेरा कॉस्टिंग कहीं बढ़ तो नहीं रहा है, प्रॉफिट से ज़्यादा कहीं अपना कॉस्टिंग तो नहीं जा रहा है, तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है। कोई ज़्यादा स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं स्टार्टिंग में, सबसे पहले आप 1 से 2 स्टाफ से स्टार्ट करो, या बेहतर यही होगा कि आप इंडिविजुअल पहले स्टार्ट करें। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है, मार्केट में काम नहीं किए हैं, तो कुछ दिन पहले आप खुद से काम करें, अगर आपके पास ज़्यादा फाइल्स आने लगती हैं तो उसके बाद आप फ्रेंड्स स्टाफ आपके बढ़ाएं, और उसके बाद आप डेटा परचेस करें, और उसके बाद अगर आपके पास डेटा आता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप डेटा परचेस करें, कन्वर्जन रेशियो क्या हो रहा है वो देखें। मार्केट में हर कोई बंदा आपको जेन्युइन डेटा नहीं देगा फ्रेंड्स, घुमा हुआ डेटा रहेगा, उस पर काफ़ी टाइम कॉल किया हुआ होगा, तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, और उसके बाद कुछ दिन में आप डीएसए बंद कर दोगे क्योंकि आपको पे आउट वगैरह उतना आएगा नहीं और आपका लॉस हो जाएगा। तो रेंट भी देखना होता है स्टाफ का, आपको सैलरी भी देना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो भी ऑफिस का कॉस्टिंग होगा वो, उसके बाद लाइट बिल वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, आपका खुद का एक्सपेंसेस, तो एक मैनेज करना डीएसए फ्रेंड्स काफ़ी एक प्रॉब्लम बन जाता है जब हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होता। इंडिविजुअली
आप खुद से पहले स्टार्ट करें, उसके बाद आप ये धीरे धीरे आप अपना स्टाफ का हायरिंग जो भी है वो बढ़ाएं। और दूसरी चीज़ ये फ्रेंड्स कि डेटा कहाँ से मिले। डेटा का सबसे बड़ा रोल रहता है फ्रेंड्स जब भी हम लोग DSA ओपन करते हैं। अगर आपके पास डेटा नहीं है फ्रेंड्स तो मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट किसी भी कंपनी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा होता है फ्रेंड्स। सो अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप काम कैसे करोगे, कस्टमर को कैसे अप्रोच करेंगे आपकी टीम, या आप कैसे कॉल करेंगे कस्टमर को, क्या अप्रोच करेंगे, कैसे बात करेंगे। तो डेटा तो है ही नहीं आपके पास। डेटा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सो आपको डेटा का अरेंजमेंट करना आना चाहिए कि कहाँ से डेटा, पहले ये सब इन्फॉर्मेशन निकालो डेटा कहाँ से आएगा, और उसके बाद पूरा प्रॉपर प्लानिंग करो स्टाफ की सैलरी कितना देना होगा और उसके बाद क्या करना होता है। तो मैं मेरा कहना यही है कि फ्रेंड्स आप अपना खुद से पहले इंडिविजुअल स्टार्ट करें, और उसके बाद फ्रेंड्स आप क्या करें अपना धीरे धीरे स्टाफ बढ़ाएं। तो कॉस्टिंग पे हमेशा ध्यान देना चाहिए, और स्टार्टिंग में ये मान के चलो पिछले 2-3 महीने के बाद ही आपका जो ये होगा डिसबर्समेंट होना चालू होगा, और वो भी स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं है, प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज लो उसके बाद आप सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप करो। कोई भी जल्दबाजी मत करो, क्योंकि लोन को समझने के लिए फ्रेंड्स आपको टाइम जाएगा, कोई बताएगा नहीं, कोई सिखाएगा नहीं आपको। लेकिन मैं ये वादा कर रहा हूँ आप लोग से कि मैं आप लोग को, अगर आप मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे वीडियो को, डेफिनेटली मैं आप लोग को सबको, जितने लोग भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, यकीन मानो मैं सबको एक्सपर्ट बना दूंगा लोन में। और मैं ये वादा किया हूँ अपने आप से भी कि जितने लोग भी मेरे साथ कनेक्ट होंगे उन सबको मैं लोन का एक्सपर्ट बना दूंगा। और अपना DSA अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आप बड़े आसानी से ओपन कर सकते हैं, और आपको कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आ रही है, चाहे डेटा को लेके, चाहे आपको कॉलिंग को लेके, या DSA कोड लेना है आपको और डायरेक्ट लॉगिन ID लेनी है, या फ्री में काम करना है पहले स्टार्टिंग में, तो मैं आपको सब कुछ सपोर्ट करूंगा फ्रेंड्स। आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सारा कुछ सपोर्ट करूंगा। मैंने पूरा सिस्टम बनाया है आप लोगों के लिए बिजनेस करने के लिए, और आपको ज़्यादा मार्केट में टाइम पास नहीं करना है, ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर कुछ चीज़ें हमें अगर ट्रेनिंग से मिल जा रही, चाहे वो फ्री ट्रेनिंग हो चाहे वो पेड ट्रेनिंग हो, अगर कुछ अमाउंट्स XYZ अमाउंट से हमें मिल जा रही है तो वो इन्फॉर्मेशन आप ले लो, क्योंकि मार्केट में कोई भी किसी को भी फ्री में नहीं सिखाता है फ्रेंड। आपको कुछ भी गलत उल्टा सीधा नॉलेज इन्फॉर्मेशन देगा, आप लाखों की फाइल उठाएंगे, आप 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख की फाइल मार्केट से आप उठा रहे हैं, आप लॉगिन कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है लॉगिन कैसे होता है, अप्रूवल कितने दिन में होता है, अब जिसके पास भेज रहे हो वो फाइल उसकी नीयत कैसी है, वो डिक्लाइन बता दिया और उसके बाद दूसरी जगह से उसने डिसबर्स कर दिया आपका केस, और आपको पता भी नहीं चला, कस्टमर को उसने मना भी कर दिया कि सर आपका बंदे को मत बताना मैं आपका केस करा के दे दूंगा। तो डेफिनेटली कस्टमर जहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा होता है वहीं से वो फ्रेंड्स अपना ये करेगा। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आपको अपना नॉलेज अप टू डेट रखना है, और आपको एक्सपर्ट बनना है। एक्सपर्ट नहीं रहोगे आपके साथ चीट हो जाएगा, धोखा हो जाएगा, आप बहुत सारा अमाउंट लॉस कर दोगे अगर आपको प्रॉपर DSA का नॉलेज नहीं है। तो बहुत लोग हैं जो फ्रेंड्स यहाँ वहाँ DSA में बहुत बड़ा नाम देख के ज्वाइन कर लेते हैं, और उसके बाद वो महीना महीना फाइल भेजते रहते हैं, इतना फाइल भेजते हैं उनका अप्रूवल रेशियो नहीं आता। और काफ़ी सारे लोग हैं जो डिजिटल एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ 3-4 बार OTP जा रही है और फ्रस्ट्रेट हो जा रहा कस्टमर कि ये सारा OTP कहाँ से आ रहा है। तो ऐसे DSA के चक्कर में बिल्कुल भी मत फंसे फ्रेंड्स, और अपना नॉलेज बढ़ाएं, कैसे काम होता है, कैसे डिसबर्स होता है, बैंक के लिए क्या प्रोसेस होता है, NBFC के लिए क्या होता है, KYC बेस्ड लोन क्या होता है, तो ये पूरा ओवरऑल आपको समझना है। आपको कोई भी मिक्सअप करके बिजनेस लोन भी सीख जाओ जल्दी से, ऐसा नहीं। पहले आप पर्सनल लोन सीखो, प्रॉपर नॉलेज लो उसका, कैसे होता है, कितना रिक्वायरमेंट है उसका, फायर कैसे बैठता है, कैलकुलेशन कैसे होता है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कस्टमर एलिजिबल है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको सिखाया जाएगा। मेरा स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहा है 9029665660। तो फ्रेंड्स आप मुझे व्हाट्सअप करोगे तो मैं आपको 2 पोर्टल इशू करके दूंगा, और इस पोर्टल में आपको सारा कुछ ट्रेनिंग होगा, पूरा बैंक और NBFC का पूरा ट्रेनिंग होगा, आपके मन में जितना भी क्वेश्चन और सवाल रहेंगे आपको जवाब मिलेगा, और ये लाइफ टाइम तक फ्रेंड्स आपको सर्विसेज मिलेगी, और आपको पूरा एक्सपर्ट बना दिया जाएगा फ्रेंड्स। सो अगर आपको DSA कोड भी चाहिए, अगर आप कोड लेना चाहते हो, या आप
खुद से काम करना चाहते हो स्टार्टिंग में, तो आप हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हो। एक एक फाइल का आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, और दूसरी चीज़ ये फ्रेंड्स कि आपको फुल ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट देखने को मिलेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। सो हम इस पर ही काम करते हैं, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी बना के रखते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9029665660। कोई केस हो पर्सनल लोन का डिस्कस करना है, मिनिमम 12,000 सैलरी से मैं लोन करवा के देता हूँ लोगों का, तो हम सब तरीके का लोन करते हैं फ्रेंड्स। सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर मेरा कांटेक्ट नंबर दिख रहा है। आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे साथ जुड़े रहना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं शमशाद शेख, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट हमारी वीडियोज़ के आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे ऐसी एक नेक्स्ट हेल्पफुल वीडियो के साथ, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।